गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएसटीसी सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण, जिसमें हम आज का टॉपिक लेंगे वो है आज का टॉपिक अपना स्वास्थ्य का महत्व। इससे पहले की जो क्लासें हुई थी ऑनलाइन क्लासें, उसमें मैंने आपको स्वस्थ शरीर की विशेषताओं से संबंधित जानकारी दी थी। जैसे स्वस्थ शरीर के अंदर जो विशेषताएँ थी, जैसे आत्मचेतना, दूसरी विशेषता हमने क्रियाशीलता, शारीरिक गठन, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिकता और दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मचेतना से संबंधित विशेषताओं के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। आज इसी के आगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्वास्थ्य का महत्व, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद की जो परिभाषा है उसको हम देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार स्वास्थ्य की जो महत्वता की परिभाषा देते हुए विवेकानंद जी ने कहा है, निर्बल व्यक्ति आत्मा के दर्शन, निर्बल व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वह शारीरिक रूप से निर्बल हो, चाहे वह शारीरिक रूप से निर्बल हो या मानसिक रूप से, चाहे वह शारीरिक रूप से निर्बल हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ अस्वस्थ हो, वह अपने जीवन के महान उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सहनशीलता तथा आत्मविश्वास आदि का अभाव होता है। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं, इस परिभाषा को समझ लेते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि निर्बल व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता। यदि वो निर्बल व्यक्ति है, वो उसको किसी प्रकार का रोग ग्रस्त है व्यक्ति, तो वह अपने जो आत्मा है, अंतरात्मा क्या कहना चाहती है, वो क्या कार्य करना चाहता है, कर सकता है, वो उसका कार्य नहीं कर सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। उन्होंने कहा है कि शरीर से ही व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता, उसका जो मस्तिष्क है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। मस्तिष्क में भी अच्छे अच्छे विचारों का होना आवश्यक होता है। वह मस्तिष्क में अच्छे विचारों का योग नहीं रखता है तो वह हमेशा मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा। वह अपने जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके जीवन के जो महान उद्देश्य होते हैं, जो उसने लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं कि उसका जो मनुष्य अवतार हुआ है, वो मनुष्य अवतार किस कारण हुआ है, उसके क्या उद्देश्य लेकर आया, तो वो जब अस्वस्थ रहेगा तो उसके जो महान लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता है।
क्योंकि उसमें सहनशीलता, जब वो अस्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसको बात बात पर क्रोध आएगा और वो क्रोधी बनेगा, तो उसके अंदर सहनशीलता है, क्रोध के कारण वो कुछ अनर्थ कार्य भी कर सकता है, तो उसके अंदर सहनशीलता और आत्मविश्वास आदि का अभाव होता है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता। स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वो हर कार्य के लिए तत्पर रहता है और उसके अंदर सहनशीलता का गुण होता है। प्रत्येक छात्र में स्वास्थ्य की नींव बचपन से ही डाली जाती है। बालक को उसके बचपन से ही जो नियम है, स्वास्थ्य से संबंधित नियम होते हैं, उन नियमों से परिचित करा दिया जाता है और आगे चलकर वह पूर्ण स्वस्थ नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकता है। इसके विपरीत यदि बालक काल से ही, बचपन से ही बालक के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया नहीं जाए तो वह बड़ा होने पर वह अस्वस्थ तथा रोगी बनकर राष्ट्र के लिए बार बन जाएगा। स्वास्थ्य की महत्व की दृष्टि से सामान्य रूप से अच्छे स्वास्थ्य में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अच्छे स्वास्थ्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताओं को हम रख सकते हैं, किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है, इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होगी। नंबर एक पे विशेषता है मुखमंडल चिंता रहित होता है। नंबर एक पे मुखमंडल चिंता रहित होता है। दूसरा है त्वचा चिकनी एवं स्वस्थ, त्वचा चिकनी एवं स्वस्थ होती है। तीसरा है मांसपेशियां सुदृढ़ एवं सुविकसित, मांसपेशियां सुदृढ़ एवं सुविकसित छोटा आंखें या बाल चमकदार। पांचवा आंखें क्रांतिमयी। सिक्स है लंबाई आयु एवं भार में परस्पर तालमेल। सेवंथ है स्वस्थ व्यक्ति स्वभाव से उदासीन व भयभीत नहीं होता, स्वभाव से उदासीन व भयभीत नहीं होता। एक है शारीरिक व मानसिक रूप से क्रियाशील होना। नाइन्थ है नब्बा, यहाँ लिख देते हैं नब्बा है नींद अच्छी आती है। नब्बा है नींद अच्छी आती है।
दसवां है कार्य को संतोषजनक करने की योग्यता। कार्य को संतोषजनक ढंग से करना। ग्यारहवां है कोई शारीरिक दोष नहीं होता, कोई शारीरिक दोष नहीं होता। और बारवा है व्यक्ति का शारीरिक ढांचा सुंदर व अष्टपुष्ट होता है। व्यक्ति का शारीरिक ढांचा सुंदर व अष्टपुष्ट होता है। ठीक है, ये थी अच्छे स्वास्थ्य की विशेषताएं, जिसके अंदर सबसे पहली विशेषता है मुखमंडल चिंता रहित होता है। यानी जो अच्छा व्यक्ति होगा, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसके मुखमंडल पर किसी भी प्रकार की चिंता से संबंधित लकीरें नहीं दिखाई देती है, यानी हमेशा वो प्रसन्नचित व्यक्ति रहता है। दूसरा है उसकी त्वचा चिकनी एवं स्वस्थ होती है। तीसरा है उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ एवं सुविकसित होती हैं, यानी शरीर एकदम सही संचालन में होता है, चलने फिरने में किसी भी प्रकार की उसकी उसको असमर्थता महसूस नहीं होती है। पांचवा चौथा है बाल चमकदार होते हैं। फिर पांचवा आंखें क्रांतिमय होती हैं, आंखों में हमेशा तेज रहता है। और छठा है लंबाई आयु एवं भार में परस्पर तालमेल रहता है, यानी जैसे उसकी लंबाई आयु है भार उसमें परस्पर तालमेल रहेगा। सातवां है स्वभाव उदासीन से भयभीत रहता है। और आठवां है शारीरिक व मानसिक रूप से क्रियाशील होता है, किसी भी कार्य को करने में तत्परता उसके अंदर होती है। नौवां है नींद उसको अच्छी आती है। दसवां है कार्य को संतोष ढंग से आराम से किसी कार्य को संतोष पूर्वक सफल रूप से करता है। ग्यारहवां है उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं होता, किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से वो विकलांग नहीं हो सकता, सुनने बोलने में सभी प्रकार से वो समर्थ रहता है। और बारहवां है व्यक्ति का शारीरिक ढांचा सुंदर होता है, कर्म संचालन सही रूप में होता है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने स्वास्थ्य के महत्व के बारे में पढ़ा और स्वस्थ शरीर की या अच्छे स्वास्थ्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। हम कल इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।